सहयोग से प्रकाशित हुई है, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत आभार करना चाहती हूँ। और इस पुस्तक को मैंने अपने स्वर्गीय पिता ओम प्रकाश सिंह चौहान जी को समर्पित किया है। उन्हीं पर मैंने एक रचना लिखी है, गा के मैं ऐसे ही सुना देती हूँ। कोई तो बहका दरवाजे पर रहा निहारता होगा, कोई तो बहका दरवाजे पर रहा निहारता होगा, सोचता होगा मेरे बारे में, खुद को बड़ा सताता होगा, खुद को बड़ा सताता होगा। राहें तकती हैं कभी खिड़की पर कभी आंगन में, आंखें राहें तकती हैं कभी खिड़की पर कभी आंगन में, हर दिन आते जाते लोगों से पूछता होगा, आते जाते लोगों से पूछता होगा। भूखा रहकर उसने मेरे लिए किताब खरीदी, भूखा रहकर उसने मेरे लिए किताब खरीदी, फटी धोती में लिखता उसका हाल बताता होगा। सारी उम्र पैदल चलकर कंधे पर मुझे बैठाया, पैरों को दबाकर उसके सुकून से जीवन बिताना होगा। ऐ जिंदगी अब और न सता, कुछ बनकर सफल हो लक्ष्य मेरा, उसे बताना होगा। और मैं एक छोटे से शहर शामली से आती हूँ, जनपद शामली से, पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता है। मैं आप सभी को बता दूं कि इस पुस्तक को प्रकाशित करने में मेरे साथ साथ पूजा भारद्वाज और उनके पति पंकज भारद्वाज, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम महिलाएं, हम लड़कियां एक बेल की तरह होती हैं, जिसमें हमें किसी भी पुरुष के सहयोग की बेहद जरूरत है। हालांकि हम लड़कियां भी अंतरिक्ष तक पहुंच गई है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट की जरूरत जरूर पड़ती है। और उसमें मेरे पति जो भारतीय सेना में कार्यरत हैं, मिस्टर राजीव कुमार जी, और आप सभी पाठकगण के सहयोग से यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।